बहादुरगढ़ पुलिस ने एटीएम कार्ड का क्लोन बनाकर पैसा निकालने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी बेहद शातिर है। दिल्ली, रोहतक और बहादुरगढ़ से अब तक 21 से ज्यादा वारदातों कर लाखों रुपए ठग चुका है। रोहतक का रहने वाला आरोपी सुमित हाईटेक तरीके से क्लोन बनाता था। एटीएम बूथ पर मदद के बहाने लोगों का एटीएम कार्ड लेता था और हाथ में रखी छोटी स्वाइप मशीन से कार्ड की सारी डिटेल हैक कर लेता था। इसके लिए आरोपी अपने हाथ में एक मिनी DX5 नाम की स्वाइप मशीन रखता था। मशीन को MSR नाम के मोबाइल ऐप से कनेक्ट रखता था। जैसे ही मशीन से आरोपी कार्ड स्वाइप करता, उसी वक्त उस कार्ड का सारा डेटा MSR नाम के ऐप के जरिए आरोपी के मोबाइल में आ जाता था। उसके बाद आरोपी मिनी DX5 मशीन के जरिए खाली ATM कार्ड से उसका डेटा फीड कर देता और फिर SBI बैंक की ATM मशीन से लोगों के खाते से पैसे निकाल लेता था। मोबाइल टेक्नोलॉजी से ATM का क्लोन बनाकर ठगी करना ये हाईटेक मामला है। पंजाब नेशनल बैंक के ATM पर एक ग्राहक से फ्रॉड करने के चक्कर में ही आरोपी पकड़ा गया। थाना शहर के कार्यकारी SHO करण सिंह ने बताया कि ग्राहक की सतर्कता से आरोपी को पकड़ा गया है। अब उससे पूछताछ कर इस तरह के काम में शामिल उसके जैसे दूसरे आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। करण सिंह ने बताया कि आरोपी दिल्ली, रोहतक और बहादुरगढ़ में 20 से ज्यादा वारदात कर लोगों का पैसा ठग चुका है। फिलहाल पुलिस ATM क्लोन गिरोह की आखिरी कड़ी तक को पकड़ने की रणनीति बनाने में जुटी हुई है। बहादुरगढ़ से प्रदीप धनखड़ की रिपोर्ट। आरोपी गिरफ्तार, क्या क्या मामला है? कल हमने एक कस्टमर की सतर्कता से PNB रेलवे रोड पर बहादुरगढ़ में एक ATM क्लोन बनाने वाला पकड़ा है। और ये जो है ना SBI की मशीन से ATM स्वैप मशीन रखता है अपने हाथ में, उससे अपने फ़ोन में डाटा ले जाता है और वो हमने मशीन भी पकड़ी है और इसको कल गिरफ्तार किया है। और इसके साथियों की भी तलाश जारी है और तफ्तीश में इसका और भी खुलासा होने की आशंका है। ये कैसे करता था ये बार डाटा को? ये स्वैप मशीन से, जैसे है ना लोगों की मदद करने के बहाने, स्वैप मशीन से उसके कार्ड को स्वैप कर लेता था। और एक इसकी कोई ऐप बना रखी है इन्होंने, उस ऐप से के जरिए उसमें अपना जो है ना अपने फ़ोन में डाटा वो करके और खाली कार्ड में भर लेता था। खाली कार्ड भी रखता है, इसके खाली कार्ड भी 5-6 कार्ड बरामद हुए हैं। तो ऐसे ये ATM का क्लोन बना के सिर्फ ये SBI की मशीन जिसमें स्वैप होता है उसी से ये पैसे निकालते हैं क्लोन बना करके। और कोड ये वैसे देख लेते हैं जब वो करता है, तो इसको गिरफ्तार किया है। तो कितनी वारदात है और कहाँ कहाँ कर चुका है? इसने दिल्ली और रोहतक की वारदात जो है ना पहले कबूल की है। दिल्ली और रोहतक की वारदात करनी मानी है। दिल्ली में ज़्यादातर दिल्ली में करता था वो। कल जो है ना ये यहाँ करने के लिए आया था बहादुरगढ़ में, तो यहाँ एक कस्टमर की मदद से ही जो है ना और बैंक गार्ड की मदद से इसको पकड़ लिया गया है। इसके साथियों को भी हम पकड़ेंगे जल्दी।